तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि मुझे तमिल नहीं आती, तो वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि राजद के तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया वो सही है, वन नेशन वन इनकम पर आखिर काम क्यों नहीं होता। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को इतना हल्का काम दिया गया है, ये उचित नहीं है। मुझे तमिल नहीं आती। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, मुझे तमिल नहीं आती।